नमस्कार दोस्तों, हम आए दिन चीन को लेके बयानबाजी सुन रहे हैं। कोई कहता है कि चीन का बना हुआ माल इस्तेमाल मत करो, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो कोई कहता है कि इससे चीन जो पैसा है वो पाकिस्तान को देता है, जो हमारे मुल्क में आतंकवाद फैलाता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो चार बातें रखूंगा जिससे आपकी आंखों पे पड़ा हुआ जो पर्दा है वो हट जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाजा उसकी इकोनॉमी से होता है, उसकी अर्थव्यवस्था से होता है। हमारे मुल्क की जो टोटल इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो लगभग $2 ट्रिलियन की है। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि चीन इससे कहीं ज्यादा का माल बना के और दुनिया को बेचता है। अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूं तो वो एक हिंदुस्तान हर साल बना के दुनिया को बेचता है, और हम कहते हैं कि हम उनका सामान ना खरीद के उन्हें सबक सिखा देंगे। उनका 3% माल सिर्फ हिंदुस्तान आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि मोदी साहब ने 3 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हर अपने भाषण में बात कही थी कि हम हर गांव से थोड़ा थोड़ा लोहा लेंगे और उस लोहे को पिघला के और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ऐसी प्रतिमा बनाएंगे जो दुनिया में सबसे बड़ी होगी। मोदी साहब, आपके पास हजारों सलाहकार होंगे, आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गए कि इस तरह की मूर्तियां, इस तरह की प्रतिमाएं लोहे से नहीं बनती, उसमें स्टील और कॉपर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, उस मूर्ति का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है वो मूर्ति, जो आज हम नहीं बना रहे, वो चीन के अंदर बन रही है। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक जिससे हमारा राष्ट्रवाद हमारा हमारा झलकता है, वो चीन बना रहा है, हम नहीं बना पा रहे हैं उसे। हमने बनाया क्या है पिछले 5,000 सालों में? पहले मूर्तियां ही बनाई, मंदिर बनाए, बाद में मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, इस चीज में तो हमारी महारत हासिल है। मूर्तियां बनाने में तो हम दुनिया में सबसे आगे हैं। क्या हमारे देश के जो शिल्पकार हैं, जो जो कंपनीज हैं, वो मिलके सरदार पटेल की मूर्ति नहीं बना सकती? लेकिन नहीं दोस्तों, 3,000 करोड़ में ये कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टूब्रो को दिया गया, वही कॉन्ट्रैक्ट फिर आगे जाके चीन की एक कंपनी को दिया गया। आज 700 चीनी मिलके इस मूर्ति को बना रहे हैं। अगले साल मार्च अप्रैल तक उसका अनावरण भी हो जाएगा, ताकि आप 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें उसका जम के फायदा उठाया जा सके कि हाँ, देखिए आप इस मूर्ति की हाइट, इससे हमारा राष्ट्रवाद डिफाइन होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिछले साल टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी थी कि हिंदुस्तान का जो झंडा है, जी हाँ दोस्तों, हमारे मुल्क का झंडा जो है वो हमसे कहीं सस्ते दामों में चीन से बन के आ रहा है। हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इतना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है इसके कारण। उनकी जो लागत है, हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी लागत से 30-35% सस्ता है चीन में बना हुआ हिंदुस्तान का झंडा। दोस्तों, जो मुल्क अपना झंडा नहीं बना सकता वो और क्या बनाएगा? कितनी शर्म की बात है कि हमारे मुल्क का झंडा, जिसको हम अभी इंडिपेंडेंस डे के टाइम भी हाथों में लेके भाग रहे होंगे यहां से वहां, वो भी ज्यादातर चीन बना के दे रहा है। हर वो चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हैं वो चीन में बनती है। आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता, बातें करने से कुछ नहीं होता। चीन अपने यहां पे हर वो चीज बनाता है जिसकी आज दुनिया को जरूरत है। आज पूरी दुनिया को चीन की जरूरत है, चीन को दुनिया की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि चीन को सबक सिखा देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, वो मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से, गूगल के सीईओ से, फेसबुक के सीईओ से कि आप आएं इंडिया में इन्वेस्ट करें। चाइना को ये सब करने की जरूरत नहीं है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया की का मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त हम लोग बैठ के रात को माता का जगराता कर रहे होते हैं, या अगले दिन बैठ के आसाराम बापू जैसे हजारों बापुओं के बाहर बैठ के पंडालों के अंदर हम वहां पे भजन गा रहे होते हैं या हाथ जोड़ के बैठे होते हैं, उस वक्त चीन की औरतें, उनके आदमी अपनी अपनी फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं।
हमने अपने देश की एक बहुत बड़ी आबादी को काम करने से वंचित रख दिया। कैसे करेगा हमारा देश तरक्की, आप ये सोचें। जब देश की औरतें, बहुत कम औरतें हैं जो काम करती हैं बाहर जाके, ज्यादातर हमारी जो औरतें हैं वो या तो हाउसवाइफ हैं या फिर मजदूरी करती हैं। रात को माता का जगराता है, दिन में इन बापुओं के बाहर पंडालों में हम बैठे होते हैं। क्या ऐसे हम चीन का मुकाबला करेंगे? बातों से, सिर्फ लफाजी से चीन का मुकाबला नहीं होने वाला, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मकसद अपने मुल्क के लोगों को नीचा दिखाने का नहीं है, मेरा मकसद है आपको आईना दिखाने का। आप जाएं बाहर, आपको पता चलेगा हमारा और चीन का जो फासला है वो कम से कम 50-60 साल है। हम बहुत पीछे हैं उनसे दोस्तों। हम सबको मिलके काम करना होगा, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। इसमें हर इंसान की भागीदारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम बात करते हैं मेक इन इंडिया को कामयाब करने के लिए, तो दोस्तों मेक इन इंडिया तभी कामयाब होगा जब हमारे मुल्क में बिजली होगी। हमारे मुल्क की 300 करोड़ से ज्यादा की आबादी तो ऐसी है जिन पर आज तक 2017 में जिनको बिजली नहीं पहुंची है। जब हमारे पास बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं होंगी, बड़े बड़े हाईवे नहीं होंगे, पोर्ट नहीं होंगे, बंदरगाह नहीं होंगे, तब तक हम ना तो माल बना पाएंगे, ना ही उसको हम ट्रांसपोर्ट करके और अपने बंदरगाहों तक पहुंचा पाएंगे, और ना ही दुनिया को फिर कोई माल हम बेच पाएंगे। हमारे अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाह कर भी चीन के बने हुए सामान का मुकाबला नहीं कर सकते। वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज में सब्सिडी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को। हमारे यहां तो लाइट आ गई, चली गई, यही सारे दिन लगा रहता है, काम कैसे होगा यहां पे? दोस्तों, जिस मुल्क में उस मुल्क का झंडा अपना बनाने की हैसियत नहीं हो, वो अपने लोगों को क्या देगा? हम दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते अपने लोगों को, कम से कम इज्जत तो दें। हमारी सरकार बातें करती है, इनके पास बातें ही है करने को, और रोटी कपड़ा मकान में तो पैसा लगता है। चलो ठीक है, एक मौके मान लेते हैं कि सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सभी को रोटी कपड़ा मकान दे सके, न्याय तो दे सकती है। जिस मुआशरे में आपको इंसाफ भी नहीं मिलता हो, उस सरकार से, उस मुल्क से आपको किसी भी तरह की कोई भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। यही सच्चाई है। जिसका मन करे मुझे उठा उठा के गालियां दो, लेकिन मुझे गालियां देने से पहले थोड़ी रिसर्च करो, आपको पता चलेगा, आपकी आंखें फटके बाहर आ जाएंगी। आपको जब हकीकत का सामना होगा कि हम कहां हैं और चीन कहां है।